तो दोस्तों, YouTube की ओर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक होता क्या था कि YouTube के ऊपर जो हमारे जो सब्सक्राइबर थे, मतलब हमारे YouTube चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर थे, उसको हम चाहे तो हाइड कर सकते थे। हमारे पास एक ऑप्शन होता था सेटिंग के अंदर YouTube चैनल की, कि हम अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर देते थे। लेकिन अब आगे से क्या होगा दोस्तों, कि ये जो फीचर है ये YouTube बहुत ही जल्द बंद करने वाला है। पहले क्या होता था कि जो यूट्यूबर के सब्सक्राइबर कम है तो वो यूट्यूबर दोस्तों अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर लेता था, जब तक कि वो हाइड करके रखता था कि जब तक उसके सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो जाते, बढ़ नहीं जाते। तो इससे क्या होता था कि दोस्तों, एक छोटे यूट्यूबर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई मेरे सब्सक्राइबर अगर कम है और कोई व्यूवर्स मेरे चैनल के सब्सक्राइबर चेक करेगा तो वो मेरे वीडियो को नहीं देखेगा। और खास करके दोस्तों, जो व्यूवर्स होते हैं वो ऐसा सोचते भी कि भाई इसके सब्सक्राइबर कम है तो इसके वीडियो में इतना दम नहीं होगा, तो वो ज़्यादा करके छोटे यूट्यूबर्स से जिनके सब्सक्राइबर कम है तो उन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनके वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यूट्यूब ये सोच रहा है कि कुछ जो यूट्यूबर्स है वो इस फीचर का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों अभी आने वाले दिनों के अंदर यूट्यूब इस फीचर को बंद कर देगा, हम अपने सब्सक्राइबर को हाइड नहीं कर सकते। अगर आप मेरे भी चैनल को देखोगे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पर भी देखोगे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर है उसे हाइड करके रखे हैं। लेकिन बहुत जल्द आपको भी मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं वो पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होंगी। और आप क्या सोचते हो कि क्या यूट्यूब को इस फीचर को बंद कर देना चाहिए या चालू रखना, कंटिन्यू रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।